थिक स्किन ही है, बात दृष्टिकोण की है। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ, 3 बजने वाला है, 10 मिनट अभी कम है 3 बजने में, और मैं भी रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ मूवी देखने। मैं आप लोग से बोली थी संडे वाले ब्लॉग में कि उस दिन हम मूवी जाने वाले थे, पर किसी कारण से हम नहीं जा पाए थे, प्लान कैंसिल हो गया था। तो हम सोचे थे कि नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे चले जाएंगे, लेकिन आज भी छुट्टी है तो आज हमारा प्लान बन गया है। तो 3 बजे तक हम निकल जाएंगे, 3:40 का हमारा शो है और हम जा रहे हैं फोरम मॉल। और आज छुट्टी है गाइस, क्योंकि आज ईद है, तो जो जो ईद की है उन सभी को ईद मुबारक। तो फोरम मॉल जाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कौन सी मूवी देखने आई हूँ। तो मैं ये ब्लैक वाला जींस वियर कर ली हूँ और साथ में ये ब्लू टॉप और साथ में ये छोटू सा पर्स है। ऐसा पर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें मोबाइल अच्छे से आ जाता है और साथ ही लिप बाम और एक छोटा सा कंघी भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि हम बाइक से जाते हैं ना तो बाल एकदम चिपक जाता है, तो फिर कंघी चाहिए। तो ये बड़ा ही अच्छा पर्स है छोटू सा। फोरम मॉल तो हम टाइम से पहुंच गए थे और मैं सोची थी कि वहाँ पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होगा मूवी का, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन सी मूवी हम देखने आए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इवन किसी मूवी का पोस्टर वहाँ नहीं लगा था। कौन सी सीट है हमारी? लास्ट ही में क्या? बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात दृष्टिकोण की है। स्टार्ट नहीं हुआ अभी ना। खत्म खत्म। सो गाइस अभी 9 बज रहा है और मैं खाना बनाने आ गई हूँ किचन में। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है खाना बनाने का। 8 बजे हम मूवी देख के आए थे, थोड़ा सा मैं रेस्ट की और मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन हस्बैंड को खाना है तो फिर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बाहर हम पानी पूरी खाए थे तो मेरा तो मन नहीं हो रहा है खाने का, लेकिन मैं खाना बना रही हूँ। और गाइज मैं मूवी देखने गई थी वीर सावरकर, बहुत ही अच्छी मूवी लगी गाइज। और पता है इतनी लंबी मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, ऐसा लग रहा था कि कब इंटरवल आएगा कब इंटरवल आएगा। ऐसा नहीं कि मूवी खराब है, इंटरवल का वेट इसलिए हो रहा था, मतलब मैं वेट कर रही थी। इतनी ज्यादा एसी वहां तेज थी ना, इतनी ठंडी लग रही थी, 3 घंटे में ऐसा लगा कि कुल्फी जम जाएगा, तो ऐसी वाली हालत ही लग रहा था। जल्दी से मूवी खत्म हो और वहां से हम बाहर निकले, इतनी ज्यादा ठंड थी, एकदम अकड़ने लगा था बॉडी, इतनी ठंड थी। तो गाइज मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर एक बार देखिए, क्योंकि पता होनी चाहिए कि जो हम लोग आज इतने खुले में आज जो हम लोग रहते हैं, इतने फ्रीडम के साथ रहते हैं, इसके पीछे कितने लोग बलिदान दिए हैं, कितना लोग स्ट्रगल किए हैं। उसमें अंडमान निकोबार का जो सेलुलर जेल है उसके बारे में भी दिखाया गया है, कितना उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था उस जेल में जाने के बाद। तो बहुत ही अच्छे से फिल्माया गया है, 3 घंटे की पूरी मूवी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग को पता होनी चाहिए कि हम लोग के फ्रीडम के पीछे कौन कौन सेक्रीफाइस किया है, कौन कौन क्या कितना टॉर्चर सहा है। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीर सावरकर मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी, 3 घंटे की मूवी। आजकल इतनी लंबी मूवी नहीं बनती है, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे की मूवी बनती है, लेकिन इससे पहले मैं वो मूवी एनिमल मूवी भी काफी लंबी मूवी है, जो कि मैं कुछ दिन पहले ही देखी हूँ नेटफ्लिक्स पे, वो काफी लंबी मूवी है, प्लस एक ये मूवी काफी लंबी, मतलब 3 घंटे की मूवी थी। तो यहाँ पे खाने की तैयारी मेरी हो चुकी है गाइज, आप देख सकते हैं ये भिंडी मैं काट ली हूँ और आलू इसका भुजिया बना दूंगी, और आज ईद है तो मैं सोच रही हूँ कि सेवई बनाया जाए, ईद स्पेशल, तो रोटी भुजिया और सेवई हो जाएगा हमारा डिनर। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, 9 बज चुका है। मेरे यहाँ से फोरम मॉल थोड़ा दूर है, 17-18 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरे यहाँ से फोरम मॉल का, तो बाइक से जाने आने में प्लस 3 घंटे की मूवी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। मैं घर आई तो मैं हस्बैंड को बोली भी कि मुझे खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था, फिर मैं सोची कि चलो बना देती हूँ, क्योंकि बाहर से हम कुछ कुछ खा के आए थे, मुझे तो नहीं पर हस्बैंड को खाना था,
पहले क्या होता था गाइस, शादी से पहले की मैं बात कर रही हूँ कि जब हम कहीं घूमने जाते थे तो घर आने के बाद सीधे बेड पे चले जाते थे रेस्ट करने के लिए, और मम्मी किचन में लग जाती थी खाना बनाने के लिए। और मैं तो मम्मी से कई बार बोली भी हूँ कि कैसे, मतलब कि बनाती हैं इतना थकने के बाद, क्योंकि थकती तो वो भी हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थकती और हम लोग थक गए, लेकिन मम्मी सीधे जाती थी किचन में खाना बनाने और हम लोग फैल जाते थे बेड पे, कुछ नहीं करते थे, सीधे बना बनाया खाना आता था और मज़े से अपना खाना एंजॉय करते थे। तो वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो फिर ध्यान में रहता है कि जाते ही काम करना है। और देखिए शादी के बाद अभी कितना भी घूम फिर लो, घर आके खाना तो बनाना ही है। तो आज मम्मी की याद आ गई कि कैसे पहले आराम से फैल जाया करते थे बेड पे और अभी आके खाना बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सेवई को मैं फ्राई कर ली हूँ घी में, बहुत दिन हो गया था सेवई खाए और आज ईद भी है तो मैं सोची कि चलो मौका अच्छा है, बहुत दिन खाए भी हो गया था सेवई, तो सेवई आज बना लिया जाए। बनने में ज़्यादा समय वैसे लगता है नहीं इसलिए मैं बना रही हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, सच में बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। सेम कढ़ाई में भुजिया भी छौंक दी हूँ, तेल डाली हूँ, जीरा का फ़ौरन, और साथ ही सबसे पहले मैं आलू भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद जाएगा इसमें भिंडी, और 2 से 3 हरी मिर्च मैं काट के ही रखती हूँ आलू और भिंडी के साथ ही, मतलब कि, और हाई फ्लेम पे मैं भूनूंगी। और साथ के साथ इधर दूध भी बॉयल हो चुका है गाइज, इसी पतीले में मैं दूध बॉयल करती हूँ और इसी में मैं सेवई बना भी रही हूँ, अलग से मैं कोई और बर्तन यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 1 kg के आसपास दूध था तो मैं सोची चलो इसी में कर लेती हूँ। और भुजिया में बस जाएगा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक, और कवर करके लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। वैसे ये सब्जी बनने में ज़्यादा समय लगता है नहीं, तो आज मैं जो भी बनाने वाली हूँ बहुत ही क्विक रेसिपी है, सेवई भी जल्दी बन जाती है और साथ के साथ ये सब्जी भी जल्दी बन जाती है सूखी वाली भिंडी आलू की। और मैं पहले सोची थी कि रोटी बना लूँगी, फिर मैं सोची कि नहीं चलो पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि सेवई है साथ में सूखा सूखा भुजिया है तो पराठा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दूध में बॉयल जब आने लगा था तो 3 से 4 मिनट के लिए मैं और बॉयल की थी ताकि दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ फ्राई किया हुआ सेवई। सेवई डालने के बाद ना इसे मैं 5 मिनट के लिए और छोड़ूंगी, दूध थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी साथ के साथ सेवई भी पक जाएगा। सेवई पकते हुए 5 मिनट हो चुका है और थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है, यहीं पे हम डाल देंगे चीनी। तो मैं 7 से 8 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, इतने में अच्छी मीठी हो गई थी। बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच और बढ़ा लीजिएगा। और साथ ही मैं डाल दे रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैं ली हूँ बादाम, काजू और किशमिश। आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स हो तो वो भी आप डाल सकते हो। और साथ के साथ मैं डाल दी हूँ इलायची का पाउडर, और इतना डालने के बाद कुछ देर के लिए मैं और पकाऊंगी, क्योंकि चीनी जाता है ना तो दूध थोड़ी पतली फिर से हो जाती है। इलायची पाउडर होने से सच में कितनी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। पहले तो मैं पाउडर बना के नहीं रखती थी, पर मैं अभी सोच रही हूँ कि जैसे ही पाउडर ख़त्म होगा इलायची का, वैसे ही मैं फिर से बना के रख लूँगी। और इतनी देर में देखिए भुजिया ही बन के हो गया है रेडी, और साथ के साथ मैं पराठा भी बना ले रही हूँ। और आपको पता है अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सेवई ख़त्म हो चुकी है, और हस्बैंड फ्रिज में खोल के देख रहे थे कि सेवई बची है कि नहीं बची है। ठंडी ठंडी सेवई खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उनसे बोली कि मैं फिर से बना दूंगी सेवई, क्योंकि जल्दी भी बन जाती है प्लस टेस्टी तो बनती ही है। और पता नहीं क्यों गर्मी जब से पड़ रही है मीठा खाने का कुछ ज़्यादा ही मन करता है, लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं घर में कुछ रखती ही नहीं हूँ मीठा। अभी मैं मिल रही हूँ आप लोग से नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि फ्राइडे को,
और आज मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रखा है। वैसे तो डेली इतनी तेज़ धूप पड़ती है ना, मतलब 6 बजते ही सुबह सुबह 6 बजे ही बहुत तेज़ धूप निकल जाती है, और आज धूप नहीं निकली, हल्का धूप छाँव जैसा था। और पूरे दिन फ्राइडे को पूरे दिन ऐसे ही मौसम था, हल्का धूप छाँव जैसा, तो अच्छा लग रहा था कि बारिश भी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे तो किचन साफ़ ही है, लेकिन मेरी आदत हो गई है सुबह उठने के साथ एक गीला कपड़ा से एक हाथ में घुमा ही लेती हूँ पूरे स्लैब पे, साथ के साथ सिंक एरिया पे भी, और एक एक ड्रॉप भी अच्छे से मैं पोंछती हूँ। इससे क्या होता है ना कि पानी का जो दाग रह जाता है ना सूखने के बाद, वो नहीं रहता है नल पे प्लस सिंक में भी। देखिए जल्दी पाउडर 2 आ गए हैं, जल्दी पाउडर तो एक ही मंगाए थे, और ये देखिए इसमें बहुत फ्री दे दिया है, फ्री दे दिया। हाँ साथ ही हाथ बेटा, हाँ दीजिए। क्या है ये यार, जगरी पाउडर 3, वहाँ 3 का पैकेट था क्या वहाँ पे, जब एक साथ हम क्लिक कर दिए होंगे और 3 था क्या, देखे भी नहीं यार, 3-3 पैकेट आ गया, क्या हुआ ओहो। कुछ भी। सो गाइज़, यहाँ पे आलू मैं मंगा ली हूँ, 3 kg आलू ख़त्म हो गया था, और ये गलती से 3 पैकेट आ गया है जैगरी पाउडर, और अंदर वर्मिसेली का पैकेट भी आप देख सकते हैं फ्री में, और ये मिल्क है 4, और ये कर्ड है, और साथ के साथ ही ये मैं धनिया मंगा ली थी, ख़त्म हो गया था, और आज बनने वाली है परवल आलू की सब्जी ग्रेवी वाली, और साथ ही ये चौलाई का साग है, आप देख लीजिए यहाँ लिखा भी हुआ है चौलाई साग, और ये धनिया का पत्ता, और साथ ही ये फेस वॉश। नहाने के बाद मेरी पूजा हो गई थी अच्छे से, और सीधे मैं अभी आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने। 2 ही लोग में इतना ज़्यादा कपड़ा निकल जाता है गाइस कि मैं क्या बताऊँ, और सबसे ज़्यादा निकलता है तौलिया, और वैसे मैं डेली कपड़ा नहीं धोती हूँ, अल्टरनेट धोती हूँ एक दिन बीच करके, और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही है, और मैं कुछ बना भी नहीं सकती हूँ जल्दबाजी में। और नहाने से पहले मैं हस्बैंड को चाय देकर गई थी, और साथ के साथ कुछ पराठा भी था, वो भी वो खा लिए थे, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं खाई हूँ क्योंकि पूजा करना होता है तो हम कुछ खा नहीं सकते हैं, तो मुझे लगा कि चलो फ्रूट्स ही काट लेते हैं। तो मेरे पास 2 एप्पल था, 1 ड्रैगन फ्रूट्स, और आप देख सकते हैं 5 केला छील के रखी हूँ। एक्चुअली क्या है कि इसका छिलका काला हो रहा था, आज नहीं खाते तो कल ये खाने लायक रहता नहीं। तो मैं आप लोग से बोली थी ना कि फ्रूट्स ऐसे ही रह जाता है, खाता नहीं है कोई, क्या है कि जब तक मैं काट के छील के ना दूँ ना तो हस्बैंड नहीं खाते हैं, अपने से लेकर नहीं खाते हैं, तो ये सब करके मैं देती हूँ तब खाते हैं, नहीं तो फ्रूट्स ऐसे ही रखा रह जाता है। और मुझे भी इतने सारे काम होते हैं, कभी कभी काम में बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो फिर ये सब नहीं कर पाती हूँ, तो फ्रूट्स ऐसे ही 2-4 दिन के लिए पड़े रह जाते हैं। और एप्पल और ड्रैगन फ्रूट्स खाने में तो हेवी नहीं फील होता है, पर बनाना खाने में पेट जल्दी ही भरता है, तो इतना सारा फ्रूट्स खाने के बाद तो बहुत देर के लिए कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ, दोपहर में बज रहा है 12:30, और मैं बनाने लगी हूँ लंच, और मैं बना रही हूँ कच्चे आम की दाल, बहुत ही अच्छी लगती है खट्टी खट्टी दाल खाने में, और ख़ासकर समर में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो तुअर और मसूर का मिक्स दाल ही है, जब बॉयल होने लगा था तो झाग निकाल ली थी, और आधा आम डाली हूँ, पूरा नहीं, मतलब जितना खट्टा खाना है आपको ना उसके अकॉर्डिंग आम डाल दीजिएगा, और साथ ही जाएगा इसमें हल्दी का पाउडर और नमक, मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। साग को काटने से पहले ही मैं धो ले रही हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ऐसे काट के धो ना, तो फिर नीचे साग गिरने भी लगता है, और जो मोटे वाले डंठल होते हैं ना उसे नहीं लेना होता है गाइस, बस पत्तियाँ लेंगे या फिर जो नरम नरम डंठल होता है उसे लेंगे, मोटी मोटी डंठल लेंगे तो ये पकता नहीं है जल्दी, वैसे भी साग पकने में थोड़ी समय लग भी जाती है। और हमारे साइड तो लाल साग मिलता है,
लेकिन इधर वो साग मुझे दिखता ही नहीं है। वो साग जो लाल साग होती है ना, उसे आप खाएंगे राइस के साथ तो पूरा राइस रेड रेड हो जाता है, पर इधर वो वाला साग मिलता ही नहीं। और मुझे वो साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पता उस साग को क्या कहते हैं, लेकिन देख के मैं पहचान लूँगी वो वाली साग, पर मुझे इधर दिखता नहीं है। तो मैं यही वाला साग ले आती हूँ। हल्की हल्की पत्तियाँ लाल तो हैं, लेकिन पकने के बाद ये फिर वाइट वाइट सी हो जाती है ये वाली साग। साग बनाने के लिए सरसों का तेल ली हूँ, डाली हूँ जीरा का फ़ौरन, और साथ ही 6 से 7 लहसुन था वो डाल दी हूँ। एक छोटे साइज का प्याज था उसे भी डाल देंगे, और इसमें लाल मिर्च जाता है, लाल मिर्च से ना ये साग ज़्यादा टेस्टी बनती है। वैसे आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, पर एक बार लाल मिर्च डाल के ये साग आप लोग बना के देखिएगा। हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट होने तक भूनेंगे प्याज को, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। डाल देंगे चौलाई का साग, और साथ ही जाएगा इसमें नमक। तो फ्रेंड्स, नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा, क्योंकि साग गलने के बाद काफ़ी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक कढ़ाई भरा हुआ है साग तो उसके अकॉर्डिंग नमक डाल देना है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गलने के बाद साग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। अपने साइड की जो साग होती है उसमें पानी तो नहीं ऐड करना पड़ता है अलग से, लेकिन इधर की जो साग होती है वो जल्दी पानी छोड़ता ही नहीं है, तो अलग से फिर पानी भी ऐड करना पड़ जाता है। तो मैं साग को रख दी हूँ लो फ्लेम पे पकने के लिए, वो पकता रहेगा, बीच बीच में मैं उसे चलाते भी रहूँगी। और इधर दाल भी अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं, आम दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी, इतने अच्छे से सब कुछ गल चुका है। और तो इसके लिए एक स्पेशल तड़का दे देते हैं, वैसे बहुत ही सिंपल तड़का जाता है, क्योंकि टमाटर तो पड़ता है नहीं, क्योंकि आम है तो ऑलरेडी खट्टी है दाल, टमाटर डालने की ज़रूरत है नहीं। तो सरसों का तेल ली हूँ, डाली हूँ लहसुन, एक छोटे साइज का प्याज, जीरा और राई। पहले ना इसे हम अच्छे से भूनेंगे, हल्का ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक लाल मिर्च, साथ ही थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाली हूँ। और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा दाल में। और पाउडर डालने के बाद तुरंत हम इसे डाल देंगे दाल में, देरी मत कीजिएगा, नहीं तो मसाला जल भी सकता है। तड़का ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे और बॉयल करूँगी, और दाल मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो मैं हल्का सा पानी डाली थी, गर्म पानी। और लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला का पाउडर, और साथ ही धनिया का पत्ता, और एक हरी मिर्च था, बीच से मैं चीरा लगा के इसमें डाल दी हूँ। गाइस, ये दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि ऐसे तो हम चावल के साथ खाएं ही, लेकिन अलग से कटोरी में ले के भी दाल जैसे पीना होता है ना, वैसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों दाल पिए, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खट्टा खट्टा सा। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं बनाने लगी हूँ परवल आलू की सब्ज़ी, जैसे शादियों में बनता है ना बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, डालेंगे जीरा का फोरन, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, हींग, लाल मिर्च डालेंगे। एक्चुअली मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी कुछ तड़का डालने में। जब तड़का हल्का सा क्रैकल हो जाए ना, तो यहीं पे हम 2 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे, लंबा लंबा काट के। और प्याज को हल्का ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ब्राउन नहीं करना है प्याज को। इसमें डाल दी हूँ आलू और साथ ही परवल, 250 ग्राम परवल है, और जितना आलू लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आलू ले लीजिए। और इसे हाई फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। आप चाहें तो परवल को अलग से कढ़ाई में भी एकदम लाल होने तक भून सकते हैं, मैं एक साथ ही सभी को भून रही हूँ। और इसके लिए एक स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं गाइस। तो 4 हरी मिर्च ले ली हूँ, 15 से 16 लहसुन लेंगे, थोड़ा लहसुन ज़्यादा जाता है, और 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरा, और 15 से 16 काली मिर्च डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें जाएगा धनिया, और कुछ गरम मसाले जैसे कि एक बड़ी इलायची ली हूँ, 2 छोटी इलायची ली हूँ, 4 लौंग, जावित्री, शाहजीरा, ये सब गरम मसाले चले जाएंगे। और पानी डाल के इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो सब्ज़ी अगर टेस्टी बनानी है तो मसाला तो पीस के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूखे मसालों से ये सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। वैसे ज़्यादा झंझट भी नहीं है, क्योंकि लहसुन तो मैं छीली नहीं हूँ, तो फटाफट से ये मसाला बन जाएगा। और इधर परवल और आलू भी अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन लेयर आ चुका है।
सूखे मसाले जाएंगे जैसे कि हल्दी का पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अच्छे कलर के लिए, और पूरी सब्जी के लिए मैं एक साथ नमक डाल दी हूँ। करेंगे मिक्स, इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मसाला ऐड करने वाली हूँ ना, तो सभी एक साथ ही पक जाएगा। तो पीसा हुआ मसाला डाल देंगे। तो जैसे ही आप इसमें पीसा हुआ मसाला डालेंगे ना गाइस, इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है। पता है जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ परवल आलू की, तो हमेशा हम बात करते हैं एक दूसरे से कि बिल्कुल शादियों वाला फ्लेवर आ रहा है ना, तो हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है, वही खुशबू आती है सच में गाइस। क्योंकि शादी में परवल आलू की सब्जी, बैंगन आलू की सब्जी ये सब तो बनती ही है, और सच में बहुत अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा जैसे मैं बनाना बता रही हूँ। और इधर साग भी अच्छे से गल चुका है, तो साग को ना हल्का मैश करते हुए चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और चिकना हो जाए। और थोड़ा सुखा लेना है, पानी पानी नहीं रखना है साग में, नहीं तो फिर वो सोंधापन वाला फ्लेवर नहीं आएगा। तो साग रेडी हो चुका है, इधर मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। कैमरे में तो नहीं दिख रहा है पर ऑयल हल्का सेपरेट हो गया है भूनते हुए। 4 से 5 मिनट तो लग ही जाता है मसाला भूनने में फ्रेंड्स, और मैं इसे हाई फ्लेम पर ही भूनी हूँ। अब इसमें जाएगा पानी, तो जैसी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल लीजिए। मैं ग्रेवी वाला ही ये सब्जी बनाऊंगी, सूखी सूखी एकदम से नहीं बनाऊंगी, मतलब हल्की ग्रेवी वाली बनाऊंगी सब्जी। पानी डालेंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि गरम मसाला तो पहले से मैं मसाला पीसते टाइम ही डाली थी। कुकर का लीड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 3 विसल के लिए इसे पका लेना है। किस महीने में बोला जी? नहीं नहीं, किस महीने में बोले मोदी जी? किस अभी नवरात्रि चल रहा है तो साथ उसके लिए बोल रहे क्या? ओ हो हाँ तो बोले नहीं ना। तो गाइज आप देख सकते हैं सब्जी कितनी ज़्यादा देखने में टेम्पटिंग लग रही है, और खाने में तो अच्छी बनी ही थी। और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल ऐसी ही ग्रेवी मुझे चाहिए थी इस सब्जी में। तो आप लोग भी ये सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज, क्योंकि परवल का सीज़न तो चल ही रहा है तो ट्राई करना तो बनता ही है। और लास्ट में इसमें जाएगा धनिया का पत्ता, करेंगे मिक्स और ये सब्जी बिल्कुल बनके हो गई है रेडी। इससे पहले मैं आप लोग के साथ आलू परवल की सूखी वाली भुजिया शेयर की थी, वो भी बड़ी ही अच्छी बनती है। सो गाइज़ ये रही मेरी आज की समर स्पेशल लंच की थाली। समर स्पेशल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आम वाली दाल है, आलू परवल की सब्जी है, साग है चौलाई का, और रात में मैं जो बनाई थी सेवई वो रख दी हूँ, साथ के साथ रोटी और चावल। सो गाइज ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। होप कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी। ब्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।